my dear 7th class students, this side your teacher from Mrs. Common School. I hope you all are fine and studying properly. You are inside your home, you are not disturbing your parents, right? Yes. So now everyone open your books, and you all know this side is your teacher from Mrs. Common School, right? So you better study properly. So we have started the first chapter, that is integers. हमने पहला chapter start कर दिया था. Integers नाम है chapter का. फिर हमने introduction हमने देखा कि जहाँ पे हमने इंटीजर्स की डेफिनेशन बताई. इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स प्लस और प्लस आई मीन पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का पूरा एक सेट है, जिसमें 1, 2, 3 भी होता है, -1, -2, -3, ठीक है, और 0 तो है ही. फिर हमने नंबर लाइन पे उनका रिप्रेजेंटेशन देखा. 0 के राइट साइड में जो नंबर्स हैं वो पॉजिटिव हैं, और 0 के लेफ्ट साइड में जो नंबर्स हैं वो नेगेटिव हैं, और जो लेफ्ट साइड वाले नंबर हैं, जो राइट साइड वाले नंबर है जो कि पॉजिटिव नंबर, वो 0 से जितने दूर जाएंगे उतने ही बड़े. आपको ही पता है 9, 10, 11 में कौन सा बड़ा है, 11 बड़ा है ना, और 9, 10, 11 नंबर लाइन के और दूर 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 जहाँ होते जाएंगे. और -1, -2 में कौन सा बड़ा है, -1 बड़ा है. यहाँ से हमें क्या पता चला, जो नंबर 0 नंबर लाइन पे 0 के जितने पास लेफ्ट साइड में मतलब नेगेटिव साइड में 0 के जितने पास उतने बड़े, जितने दूर उतने छोटे, ठीक है. फिर यहाँ पे हमने यही हमने इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज़ जानी. हमने यहाँ पे फिर उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करके देखा कि हाँ उसमें क्या सही है क्या फॉल्स है. फिर हमने एक्सरसाइज 1.1 हमने स्टार्ट कर दी थी. फिर हम आज क्या करेंगे, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है. तो हम चलो पहले रीड करते हैं, देन वी विल डू इट इन दिस कॉपी, ओके. सो पहला क्वेश्चन जो टेंथ का जो फर्स्ट, पहले आप उसका मेन हेडिंग पढ़ो. उसमें क्या दिया है, अ वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट. एक वाटर टैंक है जिसमें क्या है, स्टेप्स मतलब सीढ़ियां हैं, ठीक है. अ मंकी सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप. एक मंकी है जो सबसे ऊपर वाले स्टेप पे बैठा है, ठीक है. दैट इज द फर्स्ट स्टेप. द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप. और जो वाटर लेवल है वो कहाँ है, 9th स्टेप पे. कौन से स्टेप पे, 9th स्टेप पे, ठीक है. तो क्वेश्चन क्या है, ही जंप्स 3 स्टेप्स डाउन एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप्स अप. वो कितने स्टेप्स नीचे आता है, 3 स्टेप, और कितने स्टेप्स ऊपर जाता है, 2 स्टेप्स. मतलब वो एक बारी में 2 जंप लगाता है, ठीक है. एक जंप लगाया, 3 स्टेप नीचे आया, फिर एक जंप लगाया, 2 स्टेप ऊपर, फिर एक जंप लगाया, 3 स्टेप नीचे, फिर एक जंप लगाया, 2 स्टेप ऊपर, तब तक जब तक वो वाटर लेवल के पास नहीं पहुंच जाता. समझ में आया? चलो अब इसको कॉपी में करते हैं, ठीक है. तो ये लेट्स डू इट दिस, ओके. वी विल कीप द क्वेश्चन ऑल्सो सो दैट वी कैन सी इट प्रॉपरली, ओके. सबसे पहले हम सीढ़ी ड्रॉ करते हैं, ठीक है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, ओके. सो ये क्या है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है. फर्स्ट मतलब ये, इसको समझो, ठीक है. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ. और ये 9th है, और यहीं पे क्या है, पानी है, ठीक है. वाटर लेवल है. और मंकी जी कहाँ है, मंकी जी यहाँ है, ठीक है. और मंकी जी जो है उनकी आदत क्या है, वो एक जंप लगाते हैं, कितने, 3 स्टेप नीचे, मतलब 1, 2, 3 यहाँ पे. मतलब उन्होंने एक जंप लगाया, सीधे फोर्थ सीढ़ी पे पहुँचे, उसके बाद यहाँ पे आए, उसके फिर से उन्होंने एक जंप लगाया, कितने जंप, 2 जंप ऊपर मारे. मतलब वो कहाँ पे आए, यहाँ. तो बताओ मंकी जी अंत में किधर पहुँचे, इधर. अब फिर यहाँ से वो क्या करेंगे, फिर यहाँ से वो 2-3 जंप नीचे लगाएंगे, फिर 2 जंप ऊपर लगाएंगे. ऐसे करते करते तब तक करेंगे जब तक वो यहाँ ना पहुँच जाए. और हमें क्वेश्चन में क्या बताना है, कितने जंप बाद मंकी यहाँ पे पहुँचते हैं, ठीक है. तो उसको हम चलो इस साइड करते हैं, ठीक है. यहाँ से हम देखेंगे और यहाँ पे हम करेंगे, ओके. यस, तो मंकी अब यहाँ पे है. तो यहाँ पे पहले हम एक चीज़ लिखेंगे, दिस इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 10, ओके. एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट फर्स्ट. तो एक चीज पहले हम लिख दे रहे हैं, क्या, व्हेन मंकी इज गोइंग डाउन इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव. क्या, उसको हम एक नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे. वो नीचे जा रहे हैं, नीचे जाने को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब नीचे नीचे जा रहे हैं, नीचे को हम माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है. एंड व्हेन, यहाँ पे आप द लिख सकते हैं, ओके. व्हेन द मंकी इज गोइंग अप, गोइंग अप मतलब आप समझ लो जंपिंग अप, गोइंग अपवर्ड्स
It will be represented by a positive integer. Okay? Yes. Now, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन. सबसे पहले मंकी ने कितने जंप लगाए? फर्स्ट जंप लगाएंगे जब वो कहाँ आएंगे? फोर्थ लेटर पे, फोर्थ स्टेप पे. फिर वो एक और जंप लगाएंगे, किधर आएंगे? सेकेंड स्टेप पे. तो यहाँ पे उन्होंने जो पहले दो जंप मारे, कितने जंप? टू जंप्स मारे. तो फिर वो कहाँ पहुँचे? दो जंप बाद वो कहाँ पहुँचे? टू स्टेप पे, है ना, सेकेंड स्टेप पे. किधर पहुँचे? सेकेंड स्टेप पे. ठीक है. और उसके बाद आप फिर वहाँ पे हम टोटल बाद में रखेंगे. ठीक है. पहले जंप मारा, फिर वो किधर पहुँचे? सेकेंड स्टेप पे. फिर यहाँ से वो किधर आए? इसको इससे करते हैं. ठीक है. फिर उन्होंने कितने जंप मारे? फिर उन्होंने तीन जंप नीचे मारे, मतलब टू से किधर आए? वन टू थ्री फाइव पे आए. ठीक है, यहाँ आए. फिर उन्होंने कितने जंप ऊपर मारे? दो जंप ऊपर मारे, यहाँ पे आए. ठीक है, तो मतलब फिर से हम वही लिखेंगे, टू जंप्स. ये है ये पहले दो जंप मारे, सेकेंड स्टेप पहुंचे. नेक्स्ट दो जंप मारे तो किधर पहुंचे? थर्ड स्टेप पे, है ना, थर्ड स्टेप पे पहुंचे. अगेन टू जंप्स. फिर जब दो जंप उन्होंने मारे, फाइव कहा? फाइव नहीं, यहां पे है वो, थ्री पे है, राइट. यहां से फिर उन्होंने दो जंप मारे, मतलब पहला जंप मारा तो तीन स्टेप नीचे आए, मतलब इधर आए. ठीक है. अब फिर उन्होंने यहाँ से दो जंप ऊपर मारे तो वो किधर आए? यहाँ पे आए ना, फोर्थ स्टेप पे. तो फिर से वही लिखना है, किधर आए? फोर्थ स्टेप पे. फिर से हम लिखेंगे, फिर फोर्थ स्टेप पे तीन जंप नीचे मारेंगे, किधर आए? सेवेंथ पे. फिर यहाँ से दो जंप आई मीन या तीन स्टेप नीचे, फिर वो जंप मारेंगे तो किधर आएंगे? फिफ्थ स्टेप पे. किधर? फिफ्थ स्टेप पे. तो फिर से वही लिखेंगे, टू जंप्स फिफ्थ स्टेप. ओके, अगेन. फिर यहां से फिफ्थ स्टेप से वो कितने जंप नीचे आएंगे? वन टू थ्री, इधर. और फिर यहां से वो दो स्टेप ऊपर आएंगे, कितना? इधर सिक्स्थ पे. ठीक है. और ये हमें तब तक करना है जब तक हम कहानी आ जाते हैं. हम नहीं आ जाते नाइन्थ स्टेप पे, क्योंकि मंकी को पहुंचना किधर है? वाटर लेवल के पास. अच्छा, अब बताओ हम किधर थे? हम थे सिक्स स्टेप पे. ठीक है. अब वो किधर आएंगे? यहाँ पे. अब जब यहाँ पे वो आ ही गए, उनको कहाँ कब तक जंप मारना? जब तक वाटर लेवल तक नहीं आ जाते. तो वाटर लेवल तक तो पहुँच ही गए, तो फिर अब वापस क्यों जंप मारेंगे? यहाँ तक तो आना ही था, है ना. अब यहाँ तक आ गए तो बस ये लास्ट जंप. मतलब जब उन्होंने फर्स्ट जंप एक जंप मारा, इस बार उन्होंने कितने जंप मारे? वन जंप. और वो कहाँ पहुँचे? नाइन्थ स्टेप. अब हमें हमसे हमने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि टोटल मंकी ने जंप कितने मारे? आप बताओ, टू प्लस टू फोर, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन. कितने जंप मारे? इलेवन जंप्स मारे, राइट. टोटल इलेवन जंप्स, है ना. और 11 जंप में वो कहाँ पहुँच गए? नाइन्थ स्टेप पे. और एक और चीज़ आप दे, हम ये भी लिख लेते हैं कि वो कितना टोटल आया, कितने स्टेप्स वो नीचे आए. आप ही बताओ, यहाँ पे जब सेकेंड स्टेप मारा तो यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, कितने स्टेप नीचे आए? माइनस थ्री. कितने स्टेप नीचे आए? थ्री. तो उसको हम माइनस थ्री से करें, फिर कितने स्टेप ऊपर गए? प्लस टू. प्लस फिर से, फिर सेकेंड जंप, फिर उन्होंने दो जंप मारे थे, दो जंप मतलब फिर से वो माइनस थ्री प्लस टू, है ना. फिर उन्होंने कितने जंप मारे थे? फिर से दो जंप मारे. उसके लिए भी लिखो माइनस थ्री प्लस टू. ठीक है. फिर उन्होंने कितने जंप मारे थे? फिर से दो जंप, फिर माइनस थ्री प्लस टू. वन टू थ्री फोर, कितने बारे हमने लिखा? वन टू थ्री फोर लिख चुके हैं ना. वन मोर. फिर उन्होंने दो जंप मारे. दो जंप मारे मतलब तीन स्टेप नीचे आए, दो स्टेप ऊपर गए. फिर उन्होंने कितने जंप मारे? एक जंप. एक जंप मतलब वो सिर्फ नीचे आए, तो माइनस थ्री. अब बताओ टोटल कितना आया? माइनस थ्री प्लस टू कितना होता है? माइनस वन. यहाँ पे भी माइनस वन, 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 और यहाँ माइनस थ्री. तो ये कितना होगा? माइनस वन टू थ्री फोर फाइव, माइनस फाइव माइनस थ्री, कितना हो जाएगा? माइनस एट.
तो वो टोटल कितने स्टेप्स नीचे आए? 8 स्टेप्स, ठीक है। और उन्होंने टोटल जंप कितने लिए? 11 जंप्स। ओके, क्लियर फर्स्ट पार्ट?